नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका हमारे खास शो हेल्थ मंत्रा में, जिसमें हम आपकी मुलाकात डॉक्टर से करवाते हैं और डॉक्टर साहब के समस्याओं और बीमारियों का समाधान बताते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ डॉक्टर विपिन कुमार मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे आपकी बीमारियों की समस्याओं का समाधान। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शो में। सर, मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को आप थोड़ा अपने बारे में बताएं। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप प्राइम टीवी ने हमको यहाँ पे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद चाहूँगा। मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं एक मेडिसिन कंसल्टेंट एडवाइज़र हूँ जी। और इसके पहले मैं सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल से इंटर्नशिप किया था जी। प्रेजेंट टाइम में मैं लखनऊ में अपनी निजी कार्यरत सेवा करता हूँ जी। डॉक्टर, अगर बात किया जाए इस वेदर की, तो ये जो मौसम है सीजनल, कभी बारिश, कभी ठंडी, कभी गर्मी, सुबह नॉर्मल तापमान रहता है, दोपहर में बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है, शाम में फिर कम हो जाता है, तो किस तरह की समस्याएं जनरली लोगों में आती हैं? मैम, आपने क्वेश्चन तो बहुत अच्छा और बहुत अहम सवाल उठाया है जी। इसके लिए जैसे कि हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमको नॉर्मल टेम्परेचर मिलता है, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है और तापमान बढ़ता जाता है जी। इसके लिए लोगों को सबसे पहले अपना ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि लोगों को जैसे कि मॉर्निंग में उठते हैं, अपना दैनिक जीवन जिस हिसाब से करते हैं, उनको बाहर निकलने से पहले फुल आस्तीन के कपड़े पहनने चाहिए जी। और अपना पानी का बोतल या और भी खाने पीने की जो सामग्री रहती हैं उनको प्रॉपर लेनी चाहिए जी। और इस मौसम में लोगों को लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए जी, जिससे हमारी बॉडी में वाटर की कमी ना होने पाए, बॉडी हमारी डिहाइड्रेट होने का चांस ज़्यादा रहता है जी। जिससे हमें कई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे डायरिया हो जाता है जी, और भी हमारी कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो बीपी के पेशेंट रहते हैं। डॉक्टर, अगर बात किया जाए तो बढ़ती गर्मी के साथ जो मच्छर हैं, मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ता जाता है, तो डेंगू किस तरह से फैलेगा इस गर्मियों में ज़्यादा या फिर ठंडियों में ही ज़्यादा फैलता है, डेंगू के मेन रीजंस क्या है? मैम, ये आपका बहुत अहम सवाल है और डेंगू एक एडिज एंड एडेप्टिव मच्छर से लोगों में फैलता है। जो सर्दियों के मौसम में देखा जाए तो, और गर्मियों के मौसम में जो गंदा पानी भरा रहता है वहाँ से मच्छर पैदा होता है और उस मच्छर के काटने से लोगों में एक वायरल एंट्री करता है जिससे लोगों को डेंगू होता है। डेंगू में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स का नुकसान होता है जी। और ये ऐसा नहीं है कि जैसे आपको आज मच्छर ने काट लिया तो आपको आज ही से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, ये मच्छर के काटने के 5 से 6 दिनों बाद आपको इसके सिम्टम्स पता चलते हैं जी। वही अगर बात किया जाए डेंगू में, तो डेंगू में किस तरह से बुखार आता है, किस तरह से कितने दिनों बाद आप में सिम्टम्स आते हैं, इसके क्या प्रोसेस होते हैं? जैसे आपने पूछा कि डेंगू के सिम्टम्स क्या होते हैं जी, तो सबसे पहले जिस व्यक्ति को डेंगू का मच्छर काटता है तो सबसे पहले उसे तेज बुखार होता है, नौजिया होता है, वोमिटिंग होता है और हाथ पैरों में तेज दर्द होता है, हेडेक होता है और सबसे पहले कभी कभी गंभीर रूप से जो लक्षण होते हैं तो चक्कर आना जी, ब्लीडिंग होना, इंटरनली ब्लीडिंग होना जी। और मेन लक्षण ये होता है इसका, कभी कभी क्या होता है बॉडी में रेसेस पड़ने लगते हैं जी। अगर बात किया जाए ट्रीटमेंट की, तो डॉक्टर किस लेवल तक जाके, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हॉस्पिटल बहुत देर से एडमिट होते हैं, घरेलू उपचार का प्रयोग करते हैं जैसे कि कुछ पपीते के जो पत्ते होते हैं उनके पानी, तो कितना ये इफेक्टिव है और कितना सेफ है? अभी तक इसका कोई घरेलू उपाय बहुत अच्छा नहीं इफेक्टिव हुआ है जी। यदि किसी को डेंगू हुआ है या इसके लक्षण मिलते हैं तो सबसे पहले उसको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर के एडवाइज में रहना चाहिए। यदि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो हॉस्पिटल में एडमिट होकर उसको सलाइन वगैरह दिया जाता है जिससे कि वो जल्दी कवर किया जा सकता है। और लोगों का कहना है कि पपीते के पत्ते और कीवी फल खा के इसको ठीक किया जा सकता है जी। तो अभी तक ऐसा इसका जो है कोई डायरेक्ट प्रभाव लोगों पे नहीं पड़ा है, बट ये सब चीज़ें लेने से नेचुरल हैं, यदि आप नेचुरल लेते हैं तो आपको फ़ायदा तो होना ही है जी। वैसे ज़्यादातर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, हॉस्पिटल में रहना चाहिए, आपको बाकायदा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए
डॉक्टर अपने हिसाब से एडवाइज करते हैं वो बेहतर है। डॉक्टर, पोस्ट डेंगू क्या क्या दिक्कतों का सामना, जैसे किसी को डेंगू हो गया वो डेंगू से ठीक भी होगा, आफ्टर डेंगू क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? डेंगू के बाद लोगों को ध्यान रखना चाहिए, इसमें वीकनेस ज़्यादा आ जाती है क्योंकि हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा क्षति होती है जिससे वो डेंगू के बाद भी प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो इसमें पोस्ट डेंगू के जो पेशेंट होते हैं उनको खान पीन पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, उनको लिक्विड की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए और पीने वाले पदार्थ में जैसे उनको खाने के लिए जैसे कुछ लोग क्या करते हैं दारू का या मदिरा का सेवन करते हैं तो उन्हें नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। जी डॉक्टर, अगर बात किया जाए गर्मी में और जैसे कोरोना का भी केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना के केसेस आ रहे हैं, हालांकि अगर बात किया जाए तो 80% लोग वैक्सीनेटेड है, कई लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया, तो कोरोना कितना भारी पड़ने वाला है और कोरोना से किस तरह से लड़ने के लिए पहले हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए? देखिए, कोरोना को सुन के लोग घबराएं नहीं, कोरोना को ऐसी बीमारी नहीं है जिससे बचा नहीं जा सकता है। कोरोना से बचने के लिए सबसे पहले तो आप अपनी साफ सफाई पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें, उसके साथ साथ आपने यदि वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप वैक्सीन का जरूर लगवाने का काम करें। जी, अगर बात किया जाए गर्मियों में होने वाली बीमारियां, बारिश होने वाली है, बारिश का मौसम भी आने वाला है, तो कई लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं चेंजिंग वेदर में, तो किस तरह की बीमारियां इस समय में आती हैं, वो क्या वायरल होती है, इन्फेक्शन की होती है, किस तरह की बीमारियां? मैम, देखा जाए तो गर्मियों में कई टाइप की बीमारियाँ होती हैं जैसे वायरल भी होती हैं और इन्फेक्टेड भी होती हैं। जी, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जैसे मलेरिया, आपकी मलेरिया है जो मच्छर के काटने से होता है या गंदगी से होता है, यदि आप घर के आसपास अपना सफाई रखते हैं, अपना खुद का ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, पास पड़ोसियों का ध्यान रखते हैं ताकि लोगों को जागृत कर सकें कि आसपास अपने साफ सफाई रखें तो आपको मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाया जा सकता है। डॉक्टर, मलेरिया कितना खतरनाक है, मलेरिया का क्या कुछ इलाज है और कैसे सिम्टम्स मलेरिया में आते हैं पेशेंट्स को? मलेरिया से बचने के लिए सबसे अहम मुद्दा तो ये होता है कि हम सबसे पहले अपने आसपास साफ सफाई रखें और मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया का जो मच्छर होता है लोगों को नाइट में ही काटता है जबकि डेंगू का मच्छर जो होता है दिन में काटता है। मलेरिया से बचने के लिए लोगों को अपने आसपास की साफ सफाई, खान पान पर ध्यान रखना चाहिए और इसका जो लक्षण होता है सबसे पहले तेज बुखार और बुखार के साथ साथ ठंड लगना और हाथ पैरों में दर्द होना, आंखों में जलन होना, ये सब इसके लक्षण हैं। डॉक्टर, मलेरिया के बाद क्या कुछ, जैसे कि हमने डेंगू के बाद जाना कि वीकनेस आ जाता है, तो क्या मलेरिया के बाद क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता और कितने दिनों तक ठीक होने के बाद भी इसका असर रहता है? देखिए, मलेरिया के पेशेंट जो होते हैं उनको मलेरिया ठीक होने के 1 साल बाद तक अपना ध्यान रखना चाहिए। मलेरिया का जो लक्षण होता है ये बॉडी में 1 साल तक बगैर आपको पता नहीं चलेगा आपकी बॉडी में रहता है। जी, वही अगर बात किया जाए आजकल औरतों की, तो विमेंस की जो इम्यूनिटी है कहीं ना कहीं मेल के कंपैरिजन में कभी कम पाई जाती है, हीमोग्लोबिन भी इनमें कम होता है कि हार्ड वर्क, तो विमेंस को किस तरह से इस वक्त में अपना ख्याल रखना चाहिए, जैसे चेंजिंग वेदर में विमेंस के लिए क्या कुछ अलग होगा कि किस तरह से अपना ध्यान रखे, क्या कुछ घरेलू नुस्खे हैं या फिर क्या कुछ जरूरी दवाइयाँ हैं जो विमेंस को इस दौरान लेनी चाहिए? देखिए, औरतों के लिए सबसे अच्छा तो ये है कि वो अपना खुद ख्याल रखें और हम बीच लोगों के बीच के समाज की जो औरतें हैं बहुत ही स्ट्रगल करती हैं, परिवार को देखती हैं, बच्चों को देखती हैं, तो सबसे पहले उनको अपना ख्याल रखना चाहिए और वो यदि उनको ऐसा मलेरिया जैसा या डेंगू या कुछ ऐसा होता है तो उन्हें सबसे पहले खान पीन पर बहुत अच्छा ध्यान रखना चाहिए और उनको कुछ मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए जो एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं ताकि उनके बॉडी में दोबारा एंट्री ना कर सके। भाई, अगर बच्चों की बात किया जाए डॉक्टर्स, तो बच्चों के साथ डील करना बहुत टफ है, बच्चे जनरली किसी की बात नहीं सुनते हैं, तो अगर बच्चों को डेंगू या मलेरिया जैसी कोई दिक्कत हो जाती है तो उसमें बच्चों का कैसे ख्याल रखा जाए? बिकॉज बच्चे बहुत स्टबबॉर्न होते हैं ना, वो इजिली दवाइयाँ खाते हैं ना वो हेल्दी फूड खाते हैं, तो बच्चों का ध्यान कैसे रखा जाए? मैम, बच्चों का ध्यान रखने के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और आपके आसपास जो डॉक्टर हो उससे कंसल्ट करने के बाद उसके द्वारा दी गई दवाइयों का सेवन करवाना चाहिए और बच्चों को सबसे पहले तो उसकी जो दिनचर्या होती है उसकी साफ सफाई को
मम्मी और पापा को दोनों को ध्यान रखना चाहिए, उसके पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए जी। और बच्चे तो बात मानते ही नहीं है, ये तो सबको ही पता है जी। तो उनके लिए उस टाइप का कुछ ऐसा घर में ना रखें जिससे गंदगी हो और उनको दिक्कत हो सके। बच्चों को क्या क्या, अगर किसी बच्चे को डेंगू या मलेरिया हो गया, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? क्या उनकी ग्रोथ पे भी कोई इसका इफेक्ट पड़ता है, उनका ग्रोथ स्लो हो जाता है, इसका कोई इफेक्ट पड़ता है, या फिर ब्लड की प्रॉब्लम, बच्चों में कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं? जी हाँ बिल्कुल, यदि बच्चों को डेंगू या मलेरिया जैसी कोई बीमार खतरनाक बीमारी होती है जी, तो बच्चों को उनकी ग्रोथ पे भी असर पड़ता है। और उनका जो सबसे इम्यूनिटी पावर होती है बच्चों की जी, पुरुषों की अपेक्षा कमजोर होती है जी, जिससे कि बच्चों को अपना ध्यान रखने के लिए उन्हें टाइम टाइम पे वेजिटेबल्स और मिल्क और अपने पास जो फूड्स वगैरह अवेलेबल होती हैं वो खिलाना चाहिए। डॉक्टर, कई बार मैंने सुना है कि अगर माँ को डेंगू या मलेरिया हुआ है और बच्चा अगर फीड कर रहा है तो वो फीड नहीं कराते, ये सच है या मिथ है कि अगर माँ को डेंगू मलेरिया हुआ है तो अगर वो बच्चे को फीड कराते हैं तो वो बच्चे को भी हो जाएगा, ये सिर्फ मिथ है या ट्रुथ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो यदि फीड कराते हैं तो दिक्कत नहीं होगी, बट उस समय फीड नहीं कराना चाहिए। फीड इसलिए नहीं कराना चाहिए क्योंकि उस समय जो माँ होती है वैसे भी ऑलरेडी वो वीक होती है, यदि आप बच्चों को फीड करा रहे हैं तो उसके अंदर और भी वीकनेस आ जाएगी और हो सकता है कि उसका कुछ अंश बच्चों में भी जा सकता है। जैसे आपने किसी फूड को लिया है, वो फूड आपका सेफ नहीं है, यदि कहीं से उसमें कोई भी गंदगी है तो आपको बीमारी हो सकती है जी। भाई, अगर बात किया जाए जो ओल्ड एज लोग हैं, कई लोग ओल्ड एज लोग पहले से वो वीक होते हैं, जो 80 क्रॉस है, 70 क्रॉस है, उन्हें अगर डेंगू मलेरिया हो जाता है तो उनका किस तरह से इलाज किया जाए? घर पे ट्रीटमेंट अच्छा है या फिर उन्हें हॉस्पिटलाइज ही किया जाए? मैम, उनके लिए सबसे अच्छा तो ये होता है, यदि आपके पास पॉसिबल है घर पे इलाज ट्रीटमेंट करना तो आप उनको सबसे अच्छा है कि आप अपने घर पे ट्रीटमेंट करें और उनका खाने पीने पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और अपने डॉक्टर के द्वारा कंसल्टिंग डॉक्टर से जो भी उनके ट्रीटमेंट दिया गया है उसको आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि हॉस्पिटल की अपेक्षा घर पे ट्रीटमेंट उनका ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल में तो इन्फेक्टेड एरिया होता है जी। क्योंकि बुजुर्गों में इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है एज अ एडल्ट पर्सन के जी। अगर डॉक्टर, मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को क्या कुछ आप सलाह देना चाहेंगे कि बढ़ती गर्मी में जिस तरह से डेंगू मलेरिया भी बढ़ता है, मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है, तो क्या कुछ ध्यान रखा जाए कि वो डेंगू मलेरिया से बच पाए? देखिए, इसके लिए मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि वो अपने आसपास की सफाई पे ध्यान दें, खाने पीने के तौर तरीकों को अच्छे से करें ताकि उन्हें जो भी दिक्कतें होती हैं पेट से रिलेटेड होती हैं, जब भी हमारा स्टमक सही रहेगा, हमारा पैनक्रिया सही रहेगा तो उनकी जो और भी बॉडी लैंग्वेज है वो सब सही रहेगा। इससे उनको अपनी साफ़ सफाई पे ध्यान रखना चाहिए, आसपास जो कूड़ा कचरा लगा होता है उसको थोड़ा सा ध्यान देके हटवाना चाहिए जी। और डॉक्टर, आपने कहा कि पेट की सफाई, लाइक जनरली लोगों को आज के वक्त में प्रॉब्लम है पेट की, तो अगर किसी का डाइजेशन हेल्दी नहीं है तो उसके लिए क्या कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल है, किस तरह के प्रिकॉशंस उसके लिए लेना चाहिए? देखिए, ये किसी का डाइजेशन की प्रॉब्लम जो हो रही है मेनली लोगों में जी, ये आजकल जो फास्ट फूड वगैरह हम लोग बाहर से लेते हैं ये बहुत हार्मफुल है जी। तो फास्ट फूड, लेकिन अगर बच्चों की जाए डॉक्टर, तो बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते हैं, बच्चों को वही चाहिए जो उन्हें खाना है, बच्चों के लिए बेसिकली उनका टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों के लिए किस तरह से ध्यान रखा जाए, क्या प्रिकॉशन बच्चों को के लिए लिया जाए? देखिए, बच्चों के लिए यदि आप उनको फास्ट फूड वगैरह खिलाते हैं तो मेनली उन्हें दिक्कत होती है जी, बच्चे मानते भी नहीं है, तो उनको थोड़ा सा मम्मी पापा को एक्टिव रहना चाहिए ताकि उनको रोक सकें और बाहर से ना लेके घर के अंदर की चीज बनाई हुई उनको खिलाएं, ज्यादा बेहतर है जी। डॉक्टर, आजकल स्कूल भी खुल गए, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और जिस तरह से कोरोना के मामले इस बार बच्चों में ज्यादा आ रहे हैं जी, तो कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं और किस तरह से प्रिकॉशन रखा जाए कि बच्चों को इस संक्रमण से बचाया जा सके? बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए उनको पूरी तरीके से सैनिटाइज करना चाहिए और पेरेंट्स को उनको सैनिटाइजर देना चाहिए ताकि वो जब स्कूल के अंदर एंट्री करते हैं तब सैनिटाइज करके जाएं और जब बाहर आते हैं तब भी सैनिटाइज करें, और स्कूल के टीचर्स को भी ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों पे, उनकी साफ सफाई पे थोड़ा सा ध्यान दें और बच्चों को भी लोगों से कम मिलवाएं जी। डॉक्टर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी सारे जो जानकारियां स्वास्थ्य संबंधी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आज के हमारे खास सेगमेंट में डॉक्टर विपिन कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि डेंगू और मलेरिया का इलाज क्या है, डेंगू और मलेरिया से किस तरह से बचे, और बढ़ती गर्मी में कितना खतरनाक हो सकता है डेंगू और मलेरिया। आज के हमारे खास शो में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।